यू नो इंग्लिश? नो, इनको इंग्लिश नहीं आती। इलेक्ट्रिक कार, ओके, इनको भी इंग्लिश नहीं आती भाई, यहाँ ये बड़ी दिक्कत है। वो तो सोची तो हम हाई अखाई नहीं हमें तुम तो बैमी। हम आज शाम को हमारा आखिरी दिन है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे इंडियन एक रेस्टोरेंट, उसमें जाके खाना खाएं। यहाँ पे गूगल मैप वर्क नहीं कर रहा है, एप्पल मैप, चलो हम लोगों के पास आईफोन है तो एप्पल मैप खैर काम कर जा रहा है, तो टैक्सी भी नहीं आके बुक हो पा रही है, तो हम लोग जो है ऐसी वाली पूरी टैक्सी जो है लेके जा रहे हैं। अभी फ्रैंक भाई इनको समझा रहे हैं कि इंडियन रेस्टोरेंट कहाँ पे है। तो अभी हम एक टैक्सी में बैठ लिए है, ये चाइनीज आदमी है। यस, आई एम मेकिंग वीडियो, यू नो इंग्लिश? नो, इनको इंग्लिश नहीं आती। भाई आज हम लोग सोच रहे हैं कि दो तीन दिन से जो है चाइनीज वो सारी चीजें देख देख के खाना, मतलब हम कुलदीप तो आज सुबह से बिल्कुल खाया ही नहीं, कुछ नहीं खाया है। मैं तो अंदर का जो वो है ना आदमी वो भर चुका है, मैं सोच रहा हूँ कि आज ही अभी फ्लाइट लेके इंडिया चला जाऊँ खाने के लिए। वेरी फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ कंट्री। वैसे जहाँ भी हम घूमने जाते थे, चाहे अगर हम सिंगापुर जाएं, दुबई जाएं, थाईलैंड जाएं, हर जगह इंडियन फूड भर भर के मिलता है, चाहे जितना खाओ। भाई चाइना में मिलता है एक, हमें पूरे शहर में एक रेस्टोरेंट है इंडियन, वो भी हमने जो है बड़ी मुश्किल से ढूंढ के निकाला, कितने चाइनीज लोग हैं उनसे हेल्प लिया, और प्लस नवकुर भाई यात्री डॉक्टर, तो उनको भी मैंने कॉल किया पूछा, तो वो बताया कि आप जाओ वहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी जो है लोकेशन तो मिल गई, ये टैक्सी बुक कर लिया ऐप से, जो टैक्सी यहाँ बुक होती वो बुक नहीं हो रही थी, तो ये मीटर वाली जो है टैक्सी बुक किया है। देखिए यहाँ पे 10 RMB पहले से शुरू हुआ है, और पता चले वहाँ जाके ये कहते कि 100 RMB हो गया बिल। तो चलिए देखते हैं जो होता है, भाई आज खाना तो खा के आते हैं। तो अभी हम टैक्सी में बैठ जरूर लिए हैं। अच्छा चलो एक पहले एक अच्छी चीज बताते हैं, ये पूछ रहे थे अभी भाई कि कहाँ से हो आप, इंडिया से। अभी ये इनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, तो हम अपने गूगल ट्रांसलेट में, ट्रांसलेट गूगल चल जाता है VPN लगा के, और वो VPN वो पेड है, वो क्या नाम है VPN का, शैडो रॉकेट। बाकी हाँ ये कॉन्फिडेंट होके आइए, सारी रिसर्च करके आए, टाइम लेके आए, बैकअप में पैसा लेके आइए, है ना कुलदीप, इनकेस अगर इमरजेंसी फ्लाइट लेनी हो, इनकेस अगर चाइना में फंस गए तो कम से कम जो है आप फ्लाइट लेके जाओ। पासपोर्ट हमेशा अपना साथ रखना, पासपोर्ट हमेशा साथ रखना, पता लगा होटल से बाहर आए, यहाँ घूम गए और फिर होटल ही वापस नहीं जा पाए, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंगें हैं सब एक ही जैसी है भाई, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। मेरे घर का खाना, मैं तो पास भाई, मैं आपको दिखाऊं, मैं जहां भी होटल से निकलता हूं तुरंत पासपोर्ट साथ ही रखता हूं, कि ये बहुत अलग कंट्री है भाई, इधर अगर पासपोर्ट गुम गया ना तो है लफड़ाई। बाकी ठीक है, अभी देखते हैं कि यहां पे ये जो है हमें सही जगह पे ले जाके हमें खाना खिला के ला पाते हैं या नहीं ला पाते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं। और पता है यहाँ पे जो इंडियन लोग हैं उनको हिंदू कहते हैं, हिंदू मतलब जैसे इंडिया भारत, ऐसे जैसे हर मतलब यहाँ हमें लगता है इनको लोगों यही पढ़ाया जाता है। मैंने ट्रांसलेट भी किया, मैंने ऊपर इंग्लिश में इंडिया लिखा और नीचे चाइनीज में हिंदू बोल रहा हो उसको क्लिक करते हैं, तो ये हिंदुस्तान से ज्यादा जानते हैं इंडिया को और इंडिया के नाम से नहीं जानते हैं। आज मिल जाए ना कुलदीप, दवा खा लोगे ना खाना, दो तीन दिन का एक साथ कुलदीप, दो तीन मिस कर रहा हूँ। मेरे घर पे मम्मी बनाती थी गाजर और आलू और मटर मिक्स करके बनाती सब्जी, और जब गरम गरम चूल्हे से निकाल रोटी देती थी मक्खन लगा के, हालांकि हमने सुबह फ्रूट वगैरह खा लिए थे, तो जो कि आपको दिखाया था, मैं परेशान हो चुका हूं। कुलदीप को फोन किया था कि आ जाओ, कहे नहीं हमने खाए, इनको नींद प्यारी थी, सोऊंगा तो भूख कम लगेगी, सो के टाइम निकाल दो भूख लगेगी नहीं। तो अभी हम जो है फ्रैंक को फोन कर रहे हैं, ये जो लोकेशन पे ले जा रहे हैं वो गलत लोकेशन है, तो मैं फ्रैंक से बोलता हूँ इनको चाइनीज में समझा दें कि जो है हमें जिस रेस्टोरेंट पे जाना है उसकी लोकेशन हमने लगाई है, उस पे ये चले और इसको बंद कर दें। तो सो जी हो वो तो सो जी ताऊ चले आए सी जी जो से यही आता वो तो सो जी चीज तो दो लो लो वो पे मी तो यो ओके टेक ऑन दिस लोकेशन चेक वो चेक हाय क्वाई 2 फनजों 我的手机导航还要快2分钟多500米。好吧，先你这个啊，你这样。OK OK OK。
ओके भाई, फ्रैंक फोन नहीं उठा रहे हैं तो मैं इनको बड़ी मुश्किल से समझाया हूँ। अभी ये मेरे फोन से देख के चल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हो खुद्दी भाई, जितनी गाड़ियाँ हैं उतनी ही कंपनी, उतनी ही कंपनियाँ हैं यहाँ, कंपनी भरमार है। ये देखो हम इतने लोगों देख लिए यहाँ गाड़ियों के, है पूछो नहीं। चाइनीज कंपनी पता है, जस्ट कॉपी करके बना देते। आईफोन का प्रचार यहाँ हो रहा है, आईफोन यहाँ भी काफी बिकते हैं। अभी हम लोग टनल में आ गए, टनल में भी नेटवर्क रहे इसके लिए। देखिए टनल में अलग से टावर लगा है, टावर जैसा कुछ सिस्टम। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे भी लगा है। और MG चाइनीज कार है, ये देखिए MG की गाड़ी जा रही है। MG की हेक्टर वगैरह आती है, वो सब चाइनीज गाड़ियाँ हैं भाई। वो नहीं दिख रही है यहाँ पे, इंडिया में सारी दिखती है वो। कुछ लोग कहते हैं कि MG तो लंदन की है, तो भाई लोग क्या होशियारी करते हैं कि अपनी चाइनीज कंपनी को लंदन में रजिस्टर करा के इंडिया में भेजते हैं, ताकि लोगों को अगर बहुत ज़्यादा डीपली रिसर्च ना करें तो उनको पता ना लगे कि ये कहाँ की है। तो अभी जो है हमने यहाँ पे खाना खा लिया है इंडियन रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे कोई भी जो इंडियन नहीं मतलब खाना बनाता है, चाइनीज लोग यही खाना बनाते हैं। रोटी का टेस्ट थोड़ा अलग था, बट राइस बिरयानी वाज गुड, टेस्ट लाइक इंडियन। सो जो बिरयानी थी वो जो है अच्छा टेस्ट कर रही थी। ये देखिए हमने यहाँ पे खाया था, और यहाँ पे कुछ चाइनीज लोग भी आके खाते हैं। और ये देख लीजिए इनका लुक, ये यहाँ पे है, और इधर वाशरूम है, यहाँ पे इनका किचन वगैरह है अंदर, यहाँ पे इनका टेबल है, और यहाँ पे पावर बैंक भी कुछ लोग रखते हैं इसको। कुछ यहाँ पे सिस्टम है, स्कैन करके आप तुरंत ले सकते हो, यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा मोबाइल डाउन था, तो इन लोगों ने चार्जिंग पे भी लगा दिया। और बाकी आपको बाहर से दिखा देते हैं कैसा है यहाँ। ये देखिए यहाँ पे कुछ इंडियन ड्रेसेस वगैरह रखी हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई भी जो है इंडियन काम नहीं कर रहा है, और ना ही इसके ऑनर इंडियन है। तो ये देख लीजिए बाहर का व्यू, ये इसके पड़ोस में रेस्टोरेंट है कुछ है। तो ये देखिए टैक्सी आ गई है, और ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। तो अभी जो हमने होटल के लिए टैक्सी ले लिया है, और भाई ये इलेक्ट्रिक कार है, दिस इज इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक कार। ओके इनको भी इंग्लिश नहीं आती भाई, यहाँ ये बड़ी दिक्कत है। हालांकि हमने इनको मैप में अपने होटल की लोकेशन बता दिया है। और ये देखिए 10 RMB का जो है वो बिल निकला है शुरुआत का, आगे जितनी दूरी तय करोगे उस हिसाब से मीटर से चलता रहे। लेकिन यहाँ सब लोग ऑनेस्टी से अपना मीटर चालू कर देते हैं, ये नहीं इंडिया की तरह बार्गेनिंग करके इतना रुपया उतना रुपया लेके लूटने कोशिश नहीं करते, अपना मीटर चालू करके चलाते हैं। और ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक है ना। ये देखिए भाई रात में ऐसा कुछ दिखता है। भाई जो लोग दुबई दुबई जाते हैं, ये देखो भाई कभी चाइना आओ भाई, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें हैं ना यहाँ पे। ये देखो यहाँ ट्रेन चलती है, और ये भैया बिल्डिंग के अंदर होते हुए देखो जा रही है अभी। देखना चाहते थे तो वही देखने गया है, ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, और उसी के अंदर देखिए वो बना हुआ है। मतलब इसमें अगर आपका घर हो तो आपको स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए बिल निकल गया है 26 युआन का बिल बना है, यानी कि तो ये थी इलेक्ट्रिक टैक्सी, ये इनका टैक्सी का नंबर है। और यहाँ पे जो है हम लोग उतर लिए हैं, और
तो अभी जो है हम टैक्सी से उतर लिए हैं। टैक्सी वाले को हमने इस स्टेशन का वीडियो दिखाया तो वो लोग यहीं पे हमें ले आए और 25 युआन लिए हैं, मतलब लगभग 300 रुपये के आसपास। और ये देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट टाइप बिल्डिंग है और उसके अंदर से होते हुए ट्रेन जाती है। और मतलब अगर यहाँ किसी का मान लो घर हो और उसको मतलब यहाँ से ट्रेन पकड़नी है तो कितना उसके लिए आसान होगा। तो हमें लगता है इसकी वजह से इसमें अपार्टमेंट महंगे दिख रहे होंगे। तो फिलहाल अभी यहीं पर रुके हैं, वैसे तो दिन में आते तो ज़्यादा अच्छा रहता पर कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं ज़्यादा है। अभी हमें संजन चुली भी जाना है। तो अभी जो है हम लोग छोटा सा वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट फिर चलते हैं। ये देखिए एक चाइनीज़ लड़की है, ये इनके पेरेंट्स हैं। तो ये देखिए कितना अच्छे से नाच रही है, मुझे लग रहा है टिकटॉक वीडियो ज़्यादा देखी है। ये देखिए भाई गाना बजा के रख दिए हैं यहाँ मोबाइल में, उनके पास भी आईफोन ही है, 13 है आईफोन 13। और ये देखिए लड़की नाच रही है। जल्दी तुम नाच दो थोड़ा नाच दो भाई। ये स्टेशन है, इसका नाम है लिजबा। अगर आप यहाँ देखने आना चाहते हो ये व्यू चाइना में, चौंग किंग चाइना में ये स्टेशन है। और मैं आपको नाम दिखा देता हूँ यहाँ से, ये देखिए ये ठीक है। और यहाँ पे बाहर का भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है, इसकी भी ये फ़ोटो वीडियो ले सकते हो, देखने के लिए आ सकते हो, काफ़ी अच्छी स्काई लाइन मिलेंगे आपको। तो अभी हम टैक्सी में बैठ लिए हैं, इस बार कुलदीप आगे बैठे हैं और चल रहे हैं होटल की तरफ। मोबाइल में ज़्यादा बैटरी नहीं बची है तो ज़्यादा वीडियो नहीं बनाएंगे,